क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपको बोलूंगा कि ये दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट छोले भटूरे हैं जो दिल्ली की सर्दी में जम चुके हैं। और यार इसकी भाजी जमी क्यों नहीं, इसकी जम गई। ये राजकोचौड़ी वर्सेस इसकी राजकोचौड़ी देना भूल गए, ये मूंग दाल का हलवा वर्सेस यहीं पे कहीं पे होगा मूंग दाल का हलवा, पता नहीं बहुत सारा सामान है, छोले भटूरे भी है हमारे पास। ये छोला ये छोला फर्क है, इसमें भी फर्क लग रहा है, काफी फर्क लग रहा है। ₹1000 बिल इधर आया, ₹1000 बिल इधर आया। सबसे पहले अपना धर्म कर दो भाई, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ अगले सैटरडे कौन सी फन वीडियो देखनी है। लोगों से पूछते हैं, जो लोग बोलेंगे अगले सैटरडे हम लोग वो फन वीडियो बनाएंगे। 24 आवर चैलेंज देखना, बहुत टाइम से 24 आवर चैलेंज भी नहीं करा। ये क्या है? ओ मूंग दाल का हलवा। मैं बता रहा हूँ ना, आज हम लोगों ने 7 चीजें मंगवाई है पूरा हम लोग ना। ओए ओए भाई, खत्म ही नहीं हो रहा सामान। ओ बस कर जा काका। ओए एक पैकेज खत्म हुआ। चलो ये पिज्जा तो मैंने मंगवाया नहीं था। मामा डोसा है ये। डोसा है, वाओ ये तो मेरा फेवरेट है डोसा। मुझे भी पिज्जा ही लगा था। रिव्यू करवाएंगे और एक और स्पेशल चीज वो पापा से रिव्यू करवाएंगे, भाई से भी कुछ रिव्यू करवा लेंगे। आज पूरी फैमिली मिलके खाएगी क्योंकि आज है भाई का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भाई, कमेंट्स में लिखो भाई मेरा भाई, आपका भाई, भाई पूरी फैमिली सब एक ही बराबर। हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों को भाई का असली नाम पता वो लोग डाई हार्ट फैन है, क्योंकि बता रखा है हम लोगों ने Q&A वाली वीडियो में बताया, तो वो लोग हैप्पी बर्थडे भाई का नाम साथ में लिखिए। Q&A वाली वीडियो में 100 क्वेश्चनों के आंसर करे थे हम लोगों ने, साल का तो होना था 10 मिनट्स में। आधा खाना इधर बीकानेर वाला, आधा इधर हल्दीराम्स, और आज करेंगे हम लोग जज। एकदम ऐसी फैंसी वो फीलिंग आ रही है, फैंसी ड्रेस वाली, स्पॉन्सर्ड बाय मोहल्ले की आंटियां। भाई पैकेजिंग में कोई डिफरेंस तो मेरे को नहीं लग रहा इसमें, बस पता चल रहा क्या है इसमें, पता नहीं चल रहा क्या। अरे कितना खाना मंगवाया आज, भाई का बर्थडे है ना। ये बहुत ही सही है, ये उनको पता चल गया कि भाई ये डोसा मम्मा ने खाना है, तो इसकी पैकेजिंग अच्छी, मतलब देखो मम्मा के खाने के मतलब की चीज की पैकेजिंग और बाकी घर वालों के खाने के मतलब की चीज। बंदा बंदला जाए। हमारे पास है आज मेन्यू में डोसा है, छोले भटूरे हैं, मूंग दाल का हलवा है विंटर स्पेशल में, और क्या है। ऐसा लग रहा है मैं ना कोई 5 नंबर का आंसर लिख रहा हूँ, पॉइंट कर रहा हूँ। चौमिन है और भाई 7 चीजें मंगवाई है, पनीर टिक्का भी है। सलेट सलेट भी दिख रहा है ऐसे। पापा की फेवरेट कुछ भी नहीं। राज कचौड़ी, वेरी गुड। राज कचौड़ी, राज कचौड़ी कहाँ से क्या खोले, डब्बे खोले थे मेरे। ओ पापा ये तो सीधा ही एकदम बंपर प्राइस निकला। मूंग दाल का हलवा मंगवाया 100 ग्राम, तो इसमें ना दिल्ली में ठंड इतनी हो रही है, मैं आपको क्या बताऊं, कितना रूम में टेम्परेचर, 15 रूम में टेम्परेचर हो रखा है, उधर देखना 15 डिग्री, और पोल्यूशन भी देख लो भाई, जिस वजह से हम बाहर नहीं गए। We love Delhi with all its flaws and beauties. 4 महीने की सर्दी पड़ती है दिल्ली में, वैसे तो पूरे साल गर्मी रहती है। ठीक है, ये क्या है, ये तो पाव भाजी नहीं, नहीं छोले भटूरे वाले छोले, नहीं छोले भी जम गए भाई, जम गए बंदा, जम रहा है, जम गए बेटा, वार्म करना पड़ेगा इसको। आज तक ऐसे छोले देखे हैं कभी? ये घी में बनाते हैं ना, ये भी ये घी के हैं। हाँ चलो, ये तो अच्छा लग रहा है कि भाई क्वालिटी है। 150, 160, 170 रुपए के छोले भटूरे है, कम से कम क्वालिटी दे रहे हैं। डब्बे में क्या है? बंदा शूट करने बैठता है ना, सोचता है इम्प्रॉम्प्टू शूट करेंगे, कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई, कुछ नहीं करा, पर ये सारा चीजें सजाने में, ये वो अखड़े मखड़े में इतना टाइम हो गया, छोले भटूरे हमारे जम गए। ये तो गर्म ही होगा भाई। मिस्टर पाव यार, मेरे को ना ये चीज समझ नहीं आती, ये ना ये हल्दीराम वाले, हल्दीराम वाले एक पाव देते हैं और ये पाव भी नहीं है, ये बर्गर बन है। मम्मा यार ये ना उनको पता चल गया कि मम्मा के मतलब की चीज है। मम्मा ये तो सही है, भाई का बस चले तो पनीर का केक बनवा ले। भाई को पनीर बहुत पसंद है भाई, ठीक लग रहा है पनीर भी, ये भी सही लग रहा है। हाँ, और डोसे की चटनी अभी इधर किधर ही है, सबको ढूंढेंगे। फाइंडिंग नीमो चल रहा है जी यहाँ पे, और बॉर्डर के इस पार हम लोग स्टार्ट करेंगे छोले भटूरे से। छोले भटूरे बहुत फेमस है, मतलब कोई भी दिल्ली वाला, फॉर दैट मैटर कोई भी नॉर्थ इंडियन जब भी दिल्ली आता है ना, छोले भटूरे जरूर खाता है, या तो बीकानेर वाला से या हल्दीराम वाला से।
अगर आपको लगा था ये ये पहली बार देख रहा हूँ क्यों क्यों भाई ऐसा तो मेरे को लगता मैं ही एक रेस्टोरेंट खोल लूँ 100 रुपए की दूंगा पाव भाजी दिल्ली वालों के पास की दिल्ली रेस्टोरेंट पापा लोग पसंद करते हैं बहुत फैन फॉलोइंग है पाव भाजी की हल्दीराम बीकानेर वाला की ये छोला फर्क है मेरे को लगता नहीं था कि बीकानेर वाला ऐसे खाना देता है अच्छा है यार 100 एनी डे आई विल टेक दिस पर यार इसकी भाजी जमी क्यों नहीं इसकी जम गई कौन सा ज्यादा भुना हुआ है ये वाला ना ये वाला भाई विच वन लेफ्ट और राइट यार मुझे तो ये ठीक यही है ना मेरे को भी यही लग रहा है राज की चोड़ी कहाँ है यार ऑर्डर तो मैंने करी थी खाना गायब कर दिया यार हमारा अब पता नहीं वो गलती से हुआ है जानबूझ के हुआ नहीं हुआ पर हमारे साथ धोखा हुआ हल्दीराम्स क्लियर विनर राज कचौड़ी में क्योंकि बीकानेर वाला राज कचौड़ी देना भूल गया अब बहुत बहुत सारी चीज़ें हो सकती है वो देना भूल गए जो स्विगी जोमैटो वाला था वो लेना भूल गया कोई ले गया क्या है मैंने 135 रुपये दिए थे और वो राज कचौड़ी बिल में देखो ऑर्डर करी हुई आई नहीं है कि बंदा बोले ना कि दही है राज कचौड़ी भी नहीं कुछ भी नहीं है यार पूरा पैकेट रह गया उसका पूरा पैकेट रह गया एडजस्ट कर लेंगे हम लोग इंडिया में लोग एडजस्ट बहुत करते हैं ये हंसी मजाक में हम लोग ले रहे हैं विच इज़ अ बैड थिंग 1000 रुपये का खाना मंगवाया उसमें से 7 चीज़ें मंगवाई है एक चीज़ देना भूल गए लोग यार दिस इज नॉट राइट वो तो हम लोग वीडियो बना रहे हैं किसी बंदे को सही में खाना हो तो एनीवे मंचूरियन नूडल्स वर्सेस ये मंचूरियन नूडल्स ये राज कचौड़ी वर्सेस इसकी राज कचौड़ी देना भूल गए ये मूंग दाल का हलवा वर्सेस यहीं पे कहीं पे होगा मूंग दाल का हलवा पता नहीं बहुत सारा सामान है छोले भटूरे भी है हमारे पास और क्या लोगे वीडियो लाइक करने का और क्या लोगे राज कचौड़ी ले आता हो देना भूल गए राउंड वन में जो था अपीयरेंसेस वाला राउंड उसके अंदर मम्मा इसमें से किसको पॉइंट दोगे उसको उसको बीकानेर वाला 1 पॉइंट भाई ये था उसका हल्दीराम्स का इसको दिया था ना आपने हल्दीराम्स 1 ईच इसमें और इसमें किसको बीकानेर वाला को 2-1 छोले भटूरे वैसे छोले भटूरे पापा किसको पॉइंट दोगे इसको या इसको बीकानेर वाले उसके भटूरे भी ठीक लग रहे हैं अच्छा हल्दीराम के ज्यादा अच्छे हां उसके ठीक लग रहे हैं तो क्या स्कोर हो गया 3-1 मूंग दाल का हलवा बीकानेर वाला 4-1 फिर इसका तो ये जीत गया ना 5-3 चलो खाना गर्म करके लाते हैं टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं एकदम जेन्युइन रिव्यू अपने 2000 रुपए खर्च करे हुए ओ भाई साहब आधा घंटा लग गया सारा सामान गर्म हो गया ये देखिए छोले आप बर्तनों पे मत जाइएगा ये ना हम लोगों ने अवन में गर्म किया है क्योंकि माइक्रोवेव तो मत ही पूछिए आप क्या खानी थी तो ये पूरा देख रहे हो भाई अब लग रहा है कि छोले भटूरे मंगवाए हैं जी ये देखो ये जो है इनका जो भी था घी जो भी था ये अब वो ना हल्दीराम की चीजें अब ज्यादा अच्छी लग रही है देखने में ना ये बीकानेर वाला का चलो अब टेस्ट करें भाई जैसे आप लोगों को बताया था ये जगह जो है छोले भटूरे के लिए जानी जाती है इनके चाट के लिए जानी जाती है इनके मतलब पाव भाजी वगैरह के लिए जानी जाती है तो पहले स्टार्ट हम लोग करेंगे इनके छोले भटूरों से ये जी बीकानेर वाले के भटूरे ये हल्दीराम वाले के भटूरे और आप इनके भटूरे के क्रिस्पीनेस से देख सकते हैं कि हम लोगों ने इनको कितना बढ़िया क्या खूब गर्म किया है इसको हल्दीराम्स के छोला भटूरा अब कंप्लीट हुआ ये लेजेंडरी टेस्ट है ये टेस्ट जीप को समझ आता है मैं इनके खाने के इनके पैकेट्स के साथ ना थंबनेल निकाल रहा था तो मेरी पैकेट पे नज़र पड़ी और मेरे को पता चला कि ये दोनों के दोनों 1900 से स्टार्ट हुए हैं बीकानेर वाला शायद 1905 से था और हल्दीराम वाला 1940 से है तो मतलब मोर देन 60 ईयर्स दोनों के पास एक्सपर्टीज है सालों का एक्सपीरियंस है इनके पास बनाने का खाना बाकी ऐसा नहीं है कि अगर हम लोगों ने बोला कि भाई ये छोला भटूरा बढ़िया ये नहीं है तो वो पत्थर की लकीर है हमारा ओपिनियन है आपका शायद अलग भी वेरी कर सकते हैं जैसे अभी ये मैं पापा को खिला रहा हूँ पापा ये लो ये सैम्पलर होता है ना जो रेस्टोरेंट्स में मिलता है ये एक से बढ़कर एक ट्रेन जा रही है
ये आपको अभी हम लोग खिला रहे हैं जी बीकानेर वाले का छोला भटूरा। अब जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है हल्दीराम का छोला भटूरा। प्राइस को भूल जाइए, सिर्फ टेस्ट पे ध्यान रख के बताइए क्या आपकी जीभ को टेस्ट समझ आ रहा है हल्दीराम का या बीकानेर वाले का। टेस्ट में तो छोले भटूरे हल्दीराम का ही बेटर है, पर बीकानेर वाले का छोले भटूरे लाइट है। एक कोई चूज करना तो आप चूज करना तो हल्दीराम में टेस्ट हल्दीराम। पर आज बीकानेर वाला खूब खेला, बहुत 19-21 का फर्क रहा दोनों में, बराबर बैटिंग करी। छोले भटूरों के बाद बारी आती है चाटे चाटे खाने की। ये जी राज कचौड़ी, अगर आप घर में सबसे छोटे हो तो आप राज कचौड़ी नहीं खा सकते, तो फिर आपके पास वो राजा वाला वो नहीं आपके पास, तो फिर आप गोलगप्पा वगैरह का छोटे में खुश रहो तो घर के बड़े लोग हैं वही राज कचौड़ी खा सकते हैं। मैं पापा के लिए बना रहा हूँ। पापा बता देना कारू को ये डालते रहो। बस 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 इसमें से हमें थोड़ा मिल जाएगा कि आप नहीं खाना है। नहीं नहीं पूरा खाओ पूरा। ये सिर्फ कैमरा पे बात चल रही है। अगर आपको चाहिए कि हम थोड़ी और ऐसी फैमिली गुफ्तगू करें, वो तो आज सब लोग बैठे हुए थे भाई के बर्थडे पे, तो हम लोगों ने सोचा मिलके व्लॉग बनाते हैं कुछ। आपको चाहिए तो आप कमेंट्स करना, तो जो जनता देखना चाहेगी वो हम लोग दिखाएंगे। चोरी के मामले में एक सत्ते पे सत्ता फिल्म का एक सीन है, वो याद आ जाता है। अमिताभ बच्चन वो खाना डालता है, अच्छा वो सारा ट्रे पे रखता है, अपने प्लेट में खाना डालता है। तो सात ब्रदर्स की फैमिली होती ना, तो भाई लोग बोलते भाई तू आज इतना ही खाएगा, कहता नहीं ये तुम लोगों के लिए बाकी सब मेरे लिए। तो ये फिर मैं आपको क्या दूंगा। पर वो राज कचौड़ी जो ऑर्डर करी थी वो कहाँ गई? रसोड़ी में कौन था वो जो राज कचौड़ी गायब कर गया? चने तो निकाले होना और राज कचौड़ी जरूर गायब होगी हमारी। वो टूट जा कैमरा पे सारे ना गड़बड़े करते हैं। कंपैरिजन में आज तो नहीं कर सकता, बट आई हैड माय पास्ट टेस्ट मेमोरीज। आपसे कहीं अकेले में मिलके तो नहीं कहते वन ऑन वन में सर हमारी राज कचौड़ी आएगी भाई, थोड़ा पास करवा देना उसको। लेकिन आज हल्दीराम वाला नंबर मार गया क्योंकि बीकानेर वाला कचौड़ी गायब कर दी। बीकानेर वाले की राज कचौड़ी पहुंची नहीं हमारे पास। हम लोग जब स्कूल में थे तो ऐसे ना स्कूल की तरफ से इधर उधर खेलने चले गए, तो हम लोग एक बार बास्केटबॉल खेलने गए और वो साथ वाले स्कूल के जो बच्चे हैं ना वो ये इतने बड़े बड़े लोग ले हैं भाई, हमने बोला ये तो स्कूल के लग ही नहीं रहे, तो कॉलेज के लग रहे हैं। वैसा वाला हाल हो गया बेचारी आज बीकानेर वाले के साथ। पता नहीं भाई माई कंडोलेंसेस भाई, मेरे को नहीं पता क्या हुआ, पर बीकानेर वाले का बच्चा ही नहीं शो अप करा, तो हम लोग कैसे बता दे कौन सा बढ़िया। इसको हम लोग कोई नंबर नहीं दे रहे टेस्ट में क्योंकि बीकानेर वाले का बच्चा ही नहीं आया। अनफेयर कंपैरिजन हो जाएगा, इसलिए छोले भटूरे में हल्दीराम वन, राज कचौड़ी डिस्क्वालीफाइड। चटनी के साथ खाओगे? ऑब्वियसली। ये रही बीकानेर वाले की चटनी। मैंने पास भाई पनीर टिक्का आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा खा जाना है। बस 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 अब सच्ची सच्ची बताओ केक ज्यादा बढ़िया लगा है पनीर टिक्का? पनीर टिक्का। ये ज़्यादा अच्छा। कौन सा वाला? हल्दीराम वाला। चलो जी भाई ने हल्दीराम को नंबर दे दिया तो नंबर हल्दीराम के हो गए। फिर हल्दीराम को मिलेंगे। 2-2-0 हो गया अभी हल्दीराम और बीकानेर वाला में। अब जी आ जाओ जी पाव भाजी, वेजी भाजी पाव भाजी हल्दीराम की। ये डाली ये और ये पड़ी है। हेलो हेलो The most weird pav of 2021. Why do you exist? बीकानेर वाला का पाव। हम लोग ना ये अवन में गरम कर रहे थे पाव भाजी, तो वो प्लास्टिक का था वो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए इसको हम लोगों ने स्टील के कटोरी में डाल दिया। बीकानेर वाले के छोले भटूरे भी ऐसे थे, पाव भाजी भी ऐसी है, लाइट है। हल्दीराम वाले का ओवर द टॉप है, जैसे एकदम स्ट्रीट फूड वाला फ्लेवर है ना वो, और जो इसमें बटर डाल रखा है हल्दीराम। 3-0। चलो ये तुम पकड़ो ना मिलके खाते हैं। हाँ ठीक है। इसका टेस्ट मैं नहीं कर रहा, मम्मा कर रही है। मम्मा आप करो, मैं तो ऐसे रिवाजी तौर पे खा रहा हूँ। मसाला डोसा मुझे सबसे अच्छा लगता है और ये जो बेस्ट है ये नारियल चटनी। अब ये वाला खाओ, खा के देखो क्या हुआ उसमें। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा है।
टेंगी है, सांबर टेंगी है, पर नारियल चटनी हल्दीराम की ज्यादा अच्छी है। ये सांबर है इसका और ये इसका सांबर है, अब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये इसकी नारियल चटनी है और ये इसकी नारियल चटनी है, बोलने की अब इधर भी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और ये इसकी आपका मसाला देखो, ब्लैंड है थोड़ा सा ना, एक्चुअली है ना, और इसमें थोड़ा सा फ्लेवर है। बड़ा प्लेन डोसा नहीं खाते ना आपको? मसाला डोसा ही पसंद है मेरे को, तो मसाला डोसा अच्छा। बाय, पता नहीं मेरे को मसाला डोसा ही बचपन से। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। चलो जी भाई, मंचूरियन भाई क्या है ये? मतलब ऐसा है कि हल्दीराम जैसी जगह पे बंदा ये नहीं खाएगा बीकानेर वाला का मंचूरियन, पर इसकी ना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, अलग अलग से दिया ना उन्होंने, तो उसमें ना वो पूरा सोख हो गया मंचूरियन की ग्रेवी नूडल्स के अंदर। काफी गार्लिकी सी टेस्ट है इसका, नाइस, वेरी गार्लिकी, बहुत अच्छा गार्लिक का फ्लेवर है, वेरी नाइस। दिस तो डेफिनेटली बीकानेर वाला 3-1। ओके गाइस, डेजर्ट्स का टाइम आ चुका है, ये देखो पहले डेजर्ट्स में देसी क्यो। उधर कुछ नहीं है, मैं सोच रहा हूँ ये मूंग दाल का हलवा का टेस्ट कैसा है। हल्दीराम यार बिकने वाले बेचारे को मंगाया ही क्यों फिर? बट प्राइस में ना बीकानेर वाला सस्ता है 5-10 रुपए से। अगर आप 5-10 रुपए धनिया मिर्ची फ्री लेने वाले काम आपको करने हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी हमारा सब्जेक्टिव ओपिनियन है, हमें ये लगा। ये हल्दीराम्स का बिल है जी 1309 रुपए आया था कुछ। हल्दीराम्स का बिल थोड़ा सा इसलिए सस्ता है क्योंकि उसके अंदर जो ये वाला हलवा है, ये मूंग दाल का हलवा 100 ग्राम था और बीकानेर वाला का मिनिमम ऑर्डर 250 ग्राम का था, और बीकानेर वाला का बिल है 1379 250 ग्राम हलवे के बाद भी। कमेंट्स में लिखिएगा हैप्पी बर्थडे भाई, और कमेंट करके बताइएगा अगले सैटरडे और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, आपके लिए बनाएंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, एंजॉय। चुटकियों में खा रहे हैं वो कौन सी ऐड थी, वो सफोला ओट्स की थी, किसकी थी? वो डाइटिंग कर रही थी लड़की, वो उसको ऐसे ऐसे खिला रहे, वही हो रहा हमारे साथ शूट करने में ना। मैं यहाँ टुकड़ों में जीत। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।